हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं पढ़ाऊंगी कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। ये वीडियो कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है और मैं इस टॉपिक को इतने अच्छे से क्लियर करूंगी कि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश किरण का किसी वस्तु से, किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। जब आप सुबह सवेरे तैयार होकर अपने प्यारे से चेहरे को शीशे में देख पाते हैं, तो वो इसलिए देख पाते हैं कि वहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। देखिए, एक्चुअली में वहाँ पर ये होता है, पहले प्रकाश किरण जो आपके चारों तरफ प्रकाश का स्रोत है, उससे प्रकाश आप पर गिरता है और आपसे शीशे पर टकराता है, और शीशे से परावर्तित होकर, परावर्तित होना मतलब वापस लौटना, परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचता है, तब आप अपने प्यारे से चेहरे को उस शीशे में देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब मैं इसको लिख देती हूँ। लिखेंगे प्रकाश का कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, प्रकाश का किसी वस्तु या परावर्तक सतह से, परावर्तक सतह मतलब होता है जिस पर प्रकाश पड़कर वापस लौट जाता है, मतलब जिस सतह पर प्रकाश टकरा कर वापस लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। जैसे कि मैंने शीशा का एग्जांपल लिया था ना, जिससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट गया था, तो उस शीशे को बोलेंगे हम परावर्तक सतह। तो इसलिए मैं लिखी हूँ, प्रकाश का किसी वस्तु या परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के नियम, मतलब प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह पर टकरा कर वापस लौटती है तो वो कौन कौन से नियमों को फॉलो करती है, मतलब कौन कौन से नियमों को पालन करती है, हम उस नियम को समझेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, मैं लिख देती हूँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स समझाने देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आप इस पॉइंट्स को नहीं जानेंगे तब तक आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ये हो गया उसका पॉलिश किया हुआ सतह, मतलब कोई मिरर है, कोई दर्पण है, उसके पीछे का जो पॉलिश किया हुआ सतह होता है वो है ये पॉलिश, पॉलिश सतह, और ये जो ऊपर का है इसका सतह, उसको बोलेंगे हम परावर्तक सतह, जिससे प्रकाश टकरा कर वापस जाती है उसको बोलते हैं हम परावर्तक सतह। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है और वो इस परावर्तक सतह पर आ रही है, आकर इस बिंदु से टकरा गई, इस बिंदु को मान लेते हैं ओ, वो बिंदु मान लेते हैं। कोई प्रकाश किरण है, वो आ रही है, मतलब आपतित हो रही है, आपतित होना मतलब आना, प्रकाश किरण आ रही है इस परावर्तक सतह पर, इस बिंदु पर टकराई, तो इस आने वाली किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण, इस आने वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और ये जिस बिंदु पर टकराई परावर्तक सतह के, उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, उस बिंदु को हम बोलेंगे आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर एक लंब, लंब मतलब 90 डिग्री का लाइन होता है, उसको बोलते हैं लंब। तो इस बिंदु पर एक हम 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे, जिसको बोलेंगे हम
आपतन बिंदु पर अभिलंब, क्योंकि आपतन बिंदु पर आप एक लंब खींच रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब ये किरण आई है, मतलब आपतित किरण आपतित हुई है, तो ये टकरा कर वापस जाएगी, तो इस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और दो चीजें हैं, अब ये आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच के एंगल को, कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इस दोनों के बीच के कोण को बोलते हैं हम आपतन कोण, जिसको एंगल आई से सूचित किया जाता है, मतलब एंगल आई, कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि एंगल आई आपतन कोण है, एंगल आई आपतन कोण। और इस परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको एंगल आर, कोण आर से डिनोट करते हैं। इसको भी मैं लिख देती हूँ एंगल आर परावर्तन कोण। मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ, ये कोई परावर्तक सतह था, इस पर कोई किरण आपतित हुई मतलब आई, तो इस आने वाली किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण, और इस जिस बिंदु पर टकराई उसको बोलेंगे हम आपतन बिंदु, और उस बिंदु पर एक 90 डिग्री का लाइन मतलब लंब उसको बोलेंगे आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये आई है तो टकरा कर वापस जाएगी, तो इस जाने वाली किरण को बोलेंगे हम परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण, जिसको एंगल आई से सूचित किया जाता है, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब इन दोनों के बीच को कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको एंगल आर से हम सूचित करते हैं। अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं। तो मैं प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम लिखती हूँ, तब मैं आपको समझाती हूँ। प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि आपतन कोण जो पहला नियम है वो ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब जो एंगल आई है वो इक्वल होता है एंगल आर के, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, मतलब जिस एंगल, ये आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है और आपतित किरण के बीच जो कोण है, वो कोण से जो प्रकाश किरण आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल है, तो ये जो प्रकाश किरण है वो आ रही है 30 डिग्री से, तो वो जाएगी भी 30 डिग्री पर, मतलब ये आपतन बिंदु पर अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल है जिसको बोलते हैं हम आपतन कोण, तो अगर वो 30 डिग्री पर आ रही है कोई किरण, तो वो परावर्तित होकर 30 डिग्री पर ही जाएगी। अब दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण है, दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपतित किरण है इस परावर्तक सतह पर आ रही है, तो इससे टकराकर ठीक उसके सामने से ही जाएगी, ठीक उसके सामने से ही वापस लौटेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण इधर से आई और टकरा कर इस डायरेक्शन में वापस लौट गई। अगर आपको इसको दूसरा एग्जाम्पल से समझाऊं तो ये है कि आप इस मार्कर को थोड़ा देर के लिए टॉर्च समझ लीजिए। अब इस टॉर्च को मैं सीधा इस बोर्ड पर मान लीजिए जला रही हूँ, और इससे जो प्रकाश जो निकलेगा इससे टकरा कर उसी दिशा में वापस लौट आएगा। लेकिन अगर मैं इस मार्कर को 30 डिग्री पर घुमाऊँ, और 30 डिग्री पर घुमाकर जब मैं इस टॉर्च को जलाऊंगी, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा टकरा कर 30 डिग्री पर ही परावर्तित होगा, मतलब 30 डिग्री पर ही वापस लौटेगा।
और ठीक उसके सामने से वापस लौटेगा, ना कि इधर जाएगा ना कि उधर जाएगा। ये आपको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन के नियम? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।